हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आपको थंबनेल में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपने क्लिक क्यों किया है। तो आपको बहुत ही खुशी होगी जान करके कि आपका एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है और जो इसका नोटिफिकेशन है और जो भी चीज़ें हैं एलटी ग्रेड के बारे में, हम लोग वन बाय वन हर चीज़ को समझेंगे और जानेंगे कि आपका एलटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। तो हम लोग सीखते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं एलटी ग्रेड कब तक आपका आने वाला है। तो एलटी ग्रेड आपका आने वाला है दिसंबर तक, ठीक है। उम्मीद है दिसंबर तक आ जाएगा, दिसंबर के लास्ट वीक या पहले वीक में उम्मीद है आ जाएगा। अगर बहुत खींचेगा ये तो जनवरी फरवरी तक जाएगा, बहुत अगर खींच गया तो, नहीं तो दिसंबर तक 100% आ जाएगा ये आपका। तो आपको क्या करना होगा, कैसे क्या होगा, जिस हिसाब से अभी एलटी ग्रेड का जो सीक्वेंस चल रहा है, बहुत दिनों से इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे कराना है, वैसे कराना है, ये करना है, वो करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें बता रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बातों का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि कोई कह रहा है ये हो गया, कोई कह रहा है इतनी वैकेंसी आ रही, कोई कह रहा है उतनी वैकेंसी आ रही, कोई कह रहा है ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करी जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। फालतू की न्यूज़ प्रोवाइड नहीं करती है हम। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको अपना जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सोच लेना है कि आपकी ये जो एलटी ग्रेड की भर्ती है ये दिसंबर में नोटिफिकेशन दे देगा तो जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम भी करा लेगा, ये भी आप समझ लीजिए। अगर 4 महीने का टाइम आपके पास है, अगर आपके पास 4 महीने का टाइम है दिसंबर से और अब को मिला करके, तो आप सोच लीजिए 3 से 4 महीने में आप कितना पढ़ सकते हैं। तो आप नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलटी ग्रेड की भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती होती है, अच्छी सैलरी, अच्छा सब कुछ मिलता है उसमें, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें सोचनी है कि कैसे क्या होगा। ये सब सोचने से बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन फोकस करें, आप फालतू की टेंशन ना लें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है, आ रही है तो क्या हो रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। तो इस पर बिना फोकस किए आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपका कैसे होगा और उसके लिए आपको कितना पढ़ना होगा। तो एलटी ग्रेड की भर्ती बहुत ही जल्द आपके पास आने वाली है और आपका डोर नॉक नॉक करने वाली है, और नॉक नॉक करने के बाद आपको पता है आपको क्या करना है, उसे पकड़ लेना है। जैसे टीजीटी में, पीजीटी में और बहुत सारी वैकेंसीज में बहुत सारा गॉसिप चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि गॉसिप सिर्फ गॉसिप्स होती हैं। आपको अपनी स्टडी पर फोकस करना पड़ेगा, बिना फोकस किए आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत को हटाते हुए अपने लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें सोचनी है जो आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए बेस्ट क्या है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप अभी से, आज से जितने टाइम से वीडियो देखें, उठें और अपना जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि शुरुआत से आप पहले से ही लगे रहिए, जिससे आपका जो वो भी सेटलमेंट है वो सेटलमेंट से कुछ क्लियरली हो सके और आप इस बार जो आप लगातार चूकते चले आ रहे हैं वो चूक को हटा करके अपनी इस भर्ती में अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है ना। तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन ने प्रोवाइड कर दी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।